Good morning to all my dear students of class 6. Today I am here to explain you all the chapter number 8 of the subject English grammar. आज की क्लास में मैं आप लोगों को English grammar subject chapter number 8 पढ़ाऊंगी. First thing you have to write is today's date, that is 1/12/2020. The name of the chapter is expressing the future time. As we have read in the last chapter about the tense. टेंस पे बेस्ड मैंने पूरी वीडियो आप लोगों को भेजी थी एक्सप्लेनेशन की, उसमें फ्यूचर टेंस का भी पूरा एक्सप्लेनेशन है जो कि इस चैप्टर में पढ़ाया गया है. तो उस वीडियो में जहाँ पे फ्यूचर टेंस की शुरुआत होती है वो एक्सप्लेनेशन आप लोग फिर देखेंगे तो आप लोगों को इस चैप्टर का रिविजन हो जाएगा. सो डायरेक्ट हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज में आएंगे. यूजिंग विल और शैल, एकदम सिंपल सी बात आप लोग समझ लीजिए. शैल का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम सेंटेंस की स्टार्टिंग आई और वी से करते हैं, और विल का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम नाउन या शी या ही इट, तो हम विल का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, कैसे फ्यूचर टाइम को हम बनाते हैं? सारे नाउन या प्रोनाउन में हम विल शैल लगा के क्या बनता है? प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्वेश्चंस विल और शैल पहले आ जाता है, फिर नाउन या प्रोनाउन आता है, फिर प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब. और नेगेटिव में पहले नाउन या प्रोनाउन, फिर विल और शैल प्लस नो आ जाता है क्योंकि नेगेटिव, फिर प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब. एक्सरसाइज नंबर ए, कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग विल और शैल एंड ऑन द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस के वर्ब गलत दिए थे, इसको आप लोग कट कर दीजिए. फर्स्ट आई डैश मीट हिम, मैंने अभी बताया था आई से शुरू होने वाले सेंटेंस के बाद शैल लगेगा, सो आई शैल. दे डैश हेल्प यू, दे विल. थर्ड द सन विल सेट एट 6:30, सेट दिया है. द बस विल अराइव इन 10 मिनट्स. आई शैल गो टू बेड एट 10. डू यू थिंक इट विल रेन टूमोरो. दे विल प्ले द मैच ऑन सैटरडे. He will return from Delhi on Wednesday. The annual day function of the school will begin at 11 a.m. Do write to me. I shall wait for your letter. तो आप लोगों ने देखा जो सेंटेंस आई से शुरू हो रहे हैं, आई के बाद हमने शैल लगाया है. अगर वी से सेंटेंस होता शुरुआत तो भी हम शैल लगाते, बाकी सब में विल लगाया है. विल मीन्स फ्यूचर, शैल मीन्स फ्यूचर, एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर टेंस. अब इसी पे बेस्ड हम गोइंग टू का इस्तेमाल कैसे करना है ये हम समझेंगे. आर गोइंग हम इस्तेमाल करते हैं जब हम प्लूरल के बारे में बात करेंगे, यानी दो या दो से अधिक चीजों या इंसानों के बारे में, और इज गोइंग जब हम एक सिंगुलर के बारे में बात करेंगे. दे आर प्लेइंग वेरी बैडली, दे आर गोइंग टू लूज. यहाँ पे ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं, इसी पे बेस्ड हमें देखना है कि गोइंग टू कैसे लगाना है. अर्शद हैज नॉट वर्कड फॉर द होल ईयर, ही इज गोइंग टू फेल. एक जन के बारे में बात हो रही है इसीलिए इज, यहाँ पे दे यानी कि दो दो से अधिक के बारे में बात हो रही है इसीलिए आर. द ओल्ड वुमेन हैज नो मनी टू बाय फूड, शी इज गोइंग टू स्टार्व. ही इज ड्राइविंग रेकलेसली, ही इज गोइंग टू हैव एन एक्सीडेंट. माई अंकल हैज सेंट एन एडवर्टीजमेंट फॉर हिज ओल्ड कार, ही इज गोइंग टू सेल इट. They are drinking untreated water. They are going to fall sick. It is already 3 o'clock. The match is going to start. He has jumped the traffic lights. The policeman is going to fine him. The chief guest has arrived. He is going to inaugurate the function. He has not done his homework. The teacher is going to punish him. Going to के बाद मैंने जितने भी शब्द इस्तेमाल किए हैं वो यहाँ पे ब्रैकेट में दिए हुए हैं. Now next is using present continuous means ing forms of the verb. यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, एक सचिन का पूरे हफ्ते का शेड्यूल दिया है और अनुपम के. सचिन बुधवार को क्रिकेट खेलेगा शाम को 6 बजे. सैटरडे को मार्केट जाएगा अपनी मदर के साथ शाम को 4 बजे. थर्सडे को फिल्म देखने जाएगा 3 बजे. संडे को मैथ्स टीचर से मिलेगा 10 बजे. फ्राइडे को पूजा से मिलेगा 5 बजे और मंडे को सलमान के बर्थडे पार्टी में जाएगा 7 बजे. ये शॉर्ट फॉर्म में दिया है, हमें इसको सेंटेंस में लिखना है गोइंग टू का इस्तेमाल करके. सचिन इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट ऑन वेनेसडे एट 6 p.m.
ही इज गोइंग टू सी अ फिल्म ऑन थर्सडे एट 3 PM. जो लिखा है बस उसी को रिपीट कर देना है. ही इज गोइंग टू मीट पूजा एट 5 PM ऑन फ्राइडे, या ही इज गोइंग टू मीट पूजा ऑन फ्राइडे एट 5 PM. नेक्स्ट बाकी आप लोग खुद करेंगे. जैसे सैटरडे का क्या होगा, ही विल बी गोइंग या ही इज गोइंग टू मार्केट विद हिज मदर एट 4 PM ऑन सैटरडे, या ही विल बी गोइंग. लेकिन विल बी इसलिए नहीं भरा गया है क्योंकि अभी विल बी बाद में पढ़ाया गया है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विल बी का इस्तेमाल प्लस वर्ब प्लस ing फॉर्म. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, हमें देखना है कि ये क्या कर रहे हैं. रवि विल बी ड्रिंकिंग वाटर, विल बी का इस्तेमाल करना है. अखिल विल बी बादिंग. चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग. मिस्टर माहिर विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर. मिस गीतिका विल बी टीचिंग. यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं है, इसको कट कर दीजिए. मिसेज राव विल बी कुकिंग फूड. मिसेज सिंह विल बी स्माइलिंग और टॉकिंग. लक्ष्य विल बी स्माइलिंग. सो दैट्स इट. चैप्टर नंबर 8 बुक एक्सरसाइजेज इज ओवर नाउ. इस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं. फ्यूचर टेंस पे बेस्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया. टेंस की वीडियो आप लोग दोबारा देखेंगे जो मैंने भेजी थी, और बुक एक्सरसाइजेस को बुक में कंप्लीट करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच.